इस पाठ का शीर्षक है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जब वो उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। बुलबुल। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार गीता वर्मा और दिनेश वर्मा, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।